Hi everyone, welcome to BeamNU IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, आपके लिए ऐसे करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं उस क्यूरेटेड फॉर्म में कि जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. सो टू द पॉइंट सीरीज के अंदर आपको जितने भी करंट अफेयर्स मिलेंगे वो आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. हफ्ते के अंदर 3 वीडियोस आपको यहाँ पे आती हैं, तो आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप अपडेटेड रहें कि क्या हफ्ते में कौन कौन से 3 ऐसे करंट अफेयर हैं जिनके ऊपर जो प्रीलिम्स के अंदर है वो सवाल पूछा जा सकता है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जो कि हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ हुई है, इसको गंगा विलास के नाम से जो है जाना जाता है, गंगा विलास. तो इसके बारे में हम जानेंगे भी. तो If you wish to cover current affairs holistically, कि आपका current affairs as a module, इसकी tension आपके दिमाग से जो है वो पूरी तरह उतर जाए, so there is this course which is already going on, current affairs course, it is taken by me, and it is for both pre and mains. जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये to the point जो series है, ये series आपके prelim point of view से बहुत important है, कि सिर्फ prelims इसमें cover होता है, लेकिन if you want to cover prelims as well as mains, क्योंकि ultimately selection का procedure, it includes mains as well, right? So there is this course which is already going on, और ये offline online format दोनों में available है. इसमें basically 3-pronged strategy के साथ आपके current affairs cover होते हैं. Number one, you get 2 weekly classes of current affairs, जिसके अंदर हम current affairs जो आ रहा है, क्या trend चल रहा है, और इन सब को discuss करते हैं class के अंदर, और current affairs लिखवाए जाते हैं बकायदा कि किस तरीके से उस particular topic को पढ़ना है ना, static, dynamic, सब कुछ उसमें cover होता है. Second, you get weekly PDFs, again which are highly curated PDFs, की multiple newspapers, multiple angles और multiple sources cover करने के बाद में जो है PDF form होती है जो कि आपको provide कराई जाती है, और ये weekly PDF है जिसके अंदर जो previous week है तो वो वाले week के जो आपके current affairs हैं वो आपको PDF form में मिल जाते हैं. Number 3, you get weekly tests as well करंट अफेयर्स के. तो हफ्ते में अगर आप एक टेस्ट देते हो और वीकली वीकली उसको रिवाइज करके करते जा रहे हो, तो यू कैन कंसीडर कि आपका जो करंट अफेयर्स का जो योर जॉब फॉर करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए आपका जो है वो डन हो जाता है. प्लस बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ और यहां तक आप देख रहे हो इसको, सो यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल फॉर दिस क्लास एज वेल. सो यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट. And if you like the quality of the class, welcome to the class, right? चलिए टॉपिक पे चलते हैं अभी, गंगा विलास. तो क्या ऐसे कॉन्टेक्स्ट है कि अभी फ्लैग ऑफ हुई है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज विच इज MV गंगा विलास, और ये वाराणसी से जो है वहां पे फ्लैग ऑफ हुई है. थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि गंगा विलास क्या क्या चीज है, क्या चीज है, और क्रूज हमें पता लग गया है कि कौन कौन सी locations जो है वो कवर करेगा, और क्या क्या दिखाने की कोशिश की जाएगी इस क्रूज के लिए, कितने दिन का ये क्रूज है. चलिए सारा देखते हैं हम यहां पे. द लग्जरी क्रूज विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3200 किलोमीटर्स एंड विल पास थ्रू 5 states इन इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट? सो टेक्निकली 5 states इन इंडिया एंड बांग्लादेश का मतलब हुआ कि 4 states इन इंडिया एंड 1 इन बांग्लादेश. तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है. और कौन कौन सी जो है 4 states इंडिया में जो है वो कवर हो रही है, दीज आर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम और असम. ये 4 states जो हैं यहाँ पे इसके अंदर इस क्रूज के थ्रू कवर होंगी. इसके ऊपर देखिए सवाल बन सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स इसमें कवर हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, बिकॉज देर आर अदर स्टेट्स एज वेल जहाँ पे गंगा बहती है, राइट? सो वहां पे वो वाली स्टेट्स इनमें कवर नहीं हो रही है. ये वाली 4 states इंडिया की जो है कवर हो रही है, प्लस इसके अंदर बांग्लादेश कवर हो रहा है, और इट विल पास थ्रू 27 river systems ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. इन टोटल 27 रिवर सिस्टम्स को जो है ये जो क्रूज है वो क्रॉस करने वाला है. सी, यहाँ पे हर एक पॉइंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर कोई सवाल बनेगा तो किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के किया जाएगा, डायरेक्टली गंगा विलास के ऊपर ये नहीं है गंगा विलास क्या चीज़ है, ये सब इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा. अगर इसके ऊपर आता है तो समथिंग रिलेटेड टू टूरिज्म, समथिंग रिलेटेड टू कल्चर, ज्योग्राफी है ना, और रिवर सिस्टम, इनके ऊपर जो है आपका सवाल यहाँ पे बन सकता है. तो डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3200 किलोमीटर्स है ना, पास थ्रू 5 states इन इंडिया एंड बांग्लादेश, 4 in India, 1 in Bangladesh. द क्रूज विल पास थ्रू टोटल ऑफ 27 रिवर सिस्टम्स ऑफ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश. 51 days का ये क्रूज है, राइट?
और 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करेगा, जिसके अंदर हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, रिवर घाट्स, मेजर सिटीज लाइक पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, मतलब मेजर सिटीज को भी जो है ये कवर करेगा 51 डेज का जो क्रूज रहेगा वो। और फ्रॉम द फेमस गंगा आरती इन वाराणसी द शिप विल स्टॉप एट सारनाथ विच इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट रेवरेंस फॉर बुद्धिज्म। तो इसका मतलब हम कल्चरल साइट्स को, जैसे यहाँ पे लिखा था हेरिटेज साइट्स, कल्चरल साइट्स, इनको टच करेंगे, नेशनल पार्क्स को। तो ये एक बहुत ज्यादा बेसिकली इंडिया इज शोकेसिंग इट्स कल्चर, शोकेसिंग इट्स हेरिटेज, और हमारे पास रिसोर्सेज कितने अबंडेंस में, रिसोर्सेज माने स्पिरिचुअल रिसोर्सेज एज वेल, है ना, कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं। तो एक शोकेस है, इट्स एन अट्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं। इट विल ऑल्सो कवर मेयोंग, ये तांत्रिक क्राफ्ट के लिए, इट इज ऑल्सो इन असम, मेयोंग को भी कवर करेगा, माजुली आइलैंड को भी कवर करेगा विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एंड द हब ऑफ वैष्णवाइट कल्चर इन असम। सी इस स्टेटमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारी जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे अदर देन गंगा विलास। तो ये सारे पॉइंट्स इफ यू आर राइटिंग इट डाउन समवेयर, है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि माजुली रिवर आइलैंड विच इज हब ऑफ वैष्णवाइट कल्चर और ये तांत्रिक क्राफ्ट मेयोंग, है ना, ये सब चीजें भी अगर आप याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू गेट टू द राइट आंसर, क्योंकि एब्सोल्यूट आंसर्स यूपीएससी में वहाँ पे बहुत कम होते हैं कि अगर फैक्चुअल कुछ आ गया तो एब्सोल्यूट आपको पता लग गया, अदरवाइज यू हैव टू नेविगेट थ्रू इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रैवलर्स विल ऑल्सो विजिट बिहार स्कूल ऑफ योगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, गिविंग द ट्रैवलर्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द रिच इंडियन हेरिटेज इन स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज, द थिंग आई वॉज सेइंग। ट्रैवलिंग थ्रू द बायोडाइवर्सिटी रिच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ सुंदरबंस इन द बे ऑफ बंगाल डेल्टा, द पैसेंजर्स वुड बी एबल टू सी द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड ऑल्सो फेमस वन हॉर्न राइनो वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो वो जो पहले वाले हमने पॉइंट्स कवर किए थे वहाँ पे, बेसिकली उसको थोड़ा सा और डिटेल में जो है आपको यहाँ पे बताया गया है। द लग्जरी ट्रिपल डेक क्रूज विल ट्रेवल ऑन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वाटरवे, कौन सा है, वाराणसी टू डिब्रूगढ़ इन असम। चलिए आगे देखते हैं। सी इफ इट इज गोइंग टू डिब्रूगढ़ असम, दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ गंगा के ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहा है, इट विल ऑल्सो कवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे हम और रिवर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो गंगा विलास जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू रिवर गंगा, ठीक है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। और इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। द क्रूज विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 80 पैसेंजर्स विद 18 सीट्स, नो मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, नॉट एट ऑल। द वेसल इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। द क्रूज इज डिजाइन एंड बिल्ट इन कोलकाता, दस गिविंग अ थ्रस्ट टू मेक इन इंडिया पॉलिसी, इंडिजिनियस शिप है, यहीं पे बनाई गई है, कोलकाता में डिजाइन और बिल्ड की गई है। द क्रूज वुड पॉपुलराइज इंडियाज वाटरवे सिस्टम, ऑफकोर्स इतना जबरदस्त क्रूज अगर आप दे रहे हो, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट दे रहे हो, है ना, और इतनी सारी साइट्स कवर कर रहे हो, 51 डेज का दे रहे हो, सो डेफिनेटली इट वुड पॉपुलराइज इंडियाज वाटरवे सिस्टम। द क्रूज विल बी मैनेज बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, प्राइवेट ऑपरेटर्स का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर किसका सपोर्ट आ रहा है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, है ना, और ये उसका सपोर्ट करेंगी। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज, ठीक है। अभी हम क्लास में जब इसको कर रहे थे तो जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको मैनेज करेगी, तो एक कॉमन सा आंसर जो देखने को मिल रहा था दैट वॉज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे कर रही है। तो एक टेंडेंसी रहती है कि हमारा रॉन्ग तरफ को हम थोड़ा सा जो है वो पुश हो जाते हैं इस टाइप के सवाल के अंदर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, द सेक्टर वुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द हिंटरलैंड, जहां जहां पे क्रूज जा रहा है और वहां पे जब आप जाते हो तो टूरिज्म इट बूस्ट्स लोकल इकोनमी वहां पे। द प्रोजेक्ट विल बूस्ट रिवर क्रूज टूरिज्म एंड ब्रिंग अबाउट अ न्यू एज ऑफ टूरिज्म फॉर इंडिया, द क्रूज हैज बीन क्यूरेटेड टू शोकेस द बेस्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड, द जर्नी विल गिव फॉरेन टूरिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू एम्बार्क अपॉन एन एक्सपीरियंशियल वॉयज एंड इंडल्ज इन आर्ट कल्चर हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। सिग्निफिकेंस ये थोड़ा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है कि अगर इसको घुमा फिरा के लिखा जाए, एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखा जाए, या डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद इसके ऊपर नहीं आएगा,
है ना, अगर घुमा फिरा के लिखा जाए तो एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल और एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन जाता है कि यू आर अवेयर एंड यू आर एबल टू कनेक्ट हेयर एंड देयर. चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अब यहाँ पे अगेन ईच एंड एवरी टाइम आई कीप ऑन टेलिंग, खासकर जो नए बच्चे तैयारी में आए हैं अभी, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अब यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट समटाइम. अभी तो जैसे आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पे, लेकिन इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन पेपर तो वहां पे आप बैक टू बैक क्वेश्चन पढ़ते हो, है ना, देर आर 100 क्वेश्चन. तो देर इज अ टेंडेंसी कि आप इस टाइप का वर्ड स्किप कर जाते हो कि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, पूछा क्या है, तो नॉट स्किप हो जाता है. तो आप बहुत केयरफुली अपने क्वेश्चन को पढ़ना है. नॉट करेक्ट, और इससे अगर कोई वर्ड दिख जाता है तो आप उसको अंडरलाइन कर दो कि नॉट करेक्ट पूछा है. चलिए, द लग्जरी क्रूज विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3200 किलोमीटर. देखो अब ये जो पॉइंट है हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था कि मोर देन 3200 किलोमीटर का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. इस टाइप का अगर जो पॉइंट है आपको एग्जाम में दिखे तो एक कंफ्यूजन पैदा करता है, राइट, कि यार है या नहीं है. तो और आप बाकी चीजें पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि यार होगा या नहीं होगा. जनरली इस टाइप की चीज के अंदर या तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन होती है या फिर वो पॉइंट सही होता है. इट विल पास थ्रू 3 स्टेट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो बांग्लादेश. द प्रोजेक्ट विल बूस्ट रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया. द क्रूज इज डिजाइन एंड बिल्ट इन कोलकाता. सी दिस इज नॉट एट ऑल इजी क्वेश्चन. इसको हम मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी के अंदर जो है यहां पे प्लेस कर सकते हैं. ये क्वेश्चन इजी नहीं है. सी यहां पे सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज हमें पता है कि इंडिया के अंदर कितनी है, 4 स्टेट्स के अंदर है, राइट, 4 स्टेट्स के अंदर इंडिया के अंदर क्रूज जा रही है, 3 के अंदर नहीं जा रही है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो दैट मींस नॉट करेक्ट पूछा, तो दिस इज द आंसर. सो दिस इज ऑल इन टूडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. माई नेम इज रोहित गर्चा and you are watching Abhimanyu IAS, and Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC in various PCS examinations, and it has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. Why I am telling this is because ki you can trust the source ki kahan se ye aa raha hai. That is why I was insisting you ki aap jo 7 days ka free trial hai jiska link aapko description mein milega, right, please check it out. And feel free to join the class, and hopefully I'll see you in the class. Thank you so much.